चलिए रुकते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी, पीसी शर्मा को, एनपी प्रजापति को फिर नहीं मिली जवाबदारी, जल्द जारी होगा शर्मा का नियुक्ति पत्र। तो ये बड़ी खबर, लोक लेखा समिति का नियुक्ति पत्र, समिति की जिम्मेदारी जारी कर दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी पीसी शर्मा को दी गई है, एनपी प्रजापति को फिर नहीं मिली जवाबदारी। तो लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी पीसी शर्मा को दी गई है, नियुक्ति पत्र जारी कर जल्द जारी होगा नियुक्ति पत्र। इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गीत दीक्षित जी, जिस तरीके से देखा जाए कि लोक लेखा समिति का जो नियुक्ति पत्र है वो जल्द पीसी शर्मा के लिए जारी होगा, तो इसमें किसके नाम यहाँ पे छूटे हैं? देखिए अरम, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में लोक लेखा समिति में पीसी शर्मा की तैनाती की गई, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी उनके सहमति पत्र जारी किया था। लेकिन इससे पहले बता दूं, ब्रजेंद्र सिंह राठौर की डेथ के बाद वहाँ वो ये पद रिक्त हो गया था। लेकिन इसके पहले जब ब्रजेंद्र सिंह राठौर की जब तैनाती हुई थी, जब उनकी तरफ से नियुक्ति की बात हुई थी, लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके साथ ही एनपी प्रजापति को सदस्य बनाया था। लेकिन एनपी प्रजापति ने वहाँ उस सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, चूँकि उनकी नाराजगी इस बात की थी कि उनको भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन एक बार फिर जो है, कांग्रेस ने जो सहमति पत्र दिया है उसके उसमें यह तय हुआ है कि अब पीसी शर्मा इसको देखेंगे। लेकिन इस बार जो है फिर एक तरह से कांग्रेस की राजनीति या रणनीति के तहत एनपी प्रजापति को फिर दरकिनार किया गया। इसको राजनीतिक सियासी हलके में माना जा रहा, राजनीतिक पंडित ही मानते हैं कि एनपी प्रजापति को लेकर गया। अभी कई और सारी समितियों में नियुक्तियाँ होनी तैनाती होनी है, लेकिन पीसी शर्मा चूँकि दिग्विजय सिंह कोटे से आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियुक्ति है उसके पहले भी जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर की बात थी तो उनके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से भी बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे, इस आधार पर थे। एनपी प्रजापति को लेकर अब क्या पार्टी तय करेगी अभी ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि एनपी प्रजापति को दरकिनार करना राजनीतिक सियासी हलके में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, चले, जिस तरीके से गीत दीक्षित जी आपने कहा है कि बाकी समितियों की नियुक्तियां होना भी बाकी हैं, तो कब तक कयास लगाए जा सकते हैं कि कब तक बाकी समितियों की नियुक्तियां यहां पे की जाएंगी? देखिए इरम, अभी सचिवालय की तरफ से जो जानकारियां जहां जहां जिन राजनीतिक दलों को दी गई है उस आधार पर वहां से सहमति पत्र आता है। सहमति पत्र आने के बाद जो है सचिवालय उस पर आदेश जारी करता है। अभी लोक लेखा समिति को लेकर थी बात, क्योंकि लगातार पद रिक्त था, गिरीश गौतम जी ने भी इस बात के लिए कहा था, विधानसभा चूंकि अध्यक्ष हैं, और सचिवालय को सहमति पत्र कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, और कांग्रेस की तरफ से जो सहमति पत्र दिया गया है उसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का नाम था, जो यहाँ राजधानी भोपाल से विधायक हैं। अब बाकी की समितियों के सदस्य सहमति पत्र जैसे जैसे आते जाएंगे तैनाती की जाएगी इरम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पे तो आपको बता दें, लोक लेखा समिति के नाम की नियुक्ति की जिम्मेदारी पीसी शर्मा को यहाँ पे दी गई है, एनपी प्रजापति इस बार भी नहीं बन पाया, जारी होगा जल्द पीसी शर्मा का नियुक्ति पत्र।